मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह लेख भगत सिंह ने 27 सितंबर 1931 को यह लाहौर के द पीपल में छपा था। बाबा रणधीर सिंह ने इसको 1930-31 में भगत सिंह से मिले थे और वो समझाए कि ईश्वर है। भगत सिंह नहीं माने तो बाबा रणधीर सिंह ने कहा कि तुम अहंकारी हो गए हो इसलिए तुम ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहे हो। एक तो इसका जवाब भगत सिंह ने इस लेख में देने की शुरुआत की है। और चमन लाल लिखते हैं कि दो इस पर एक केश कटा देने का बाद जब रणधीर सिंह बोलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम कैसे सिख हो कि अपना बाल मुड़वा दिए। तो भगत सिंह ने लिखा, मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूं। अभी तो मैंने एक ही अंग यानी केश बाल कटवाया है, यह भी पेट के लिए नहीं देश के लिए, जल्दी ही गर्दन भी कटवाऊंगा। लेकिन एक सिख की तंग नजरी व तंग दिली का गिला जरूर रहेगा। इसके बाद उन्होंने आगे सोहना सिंह भाकना से भगत सिंह ने कहा था, हमारी पुरानी विरासत के दो पक्ष हैं, एक सांस्कृतिक और दूसरा मिथिहासिक। मैं सांस्कृतिक गुणों जैसे निष्काम देह सेवा, बलिदान, विश्वासों पर अटल रहना को पूरी तरह से अपना कर आगे बढ़ने की कोशिश में हूं, लेकिन मिथिहास यानी मिथकों पर आधारित इतिहास विचारों को जो कि पुराने समय की समझ के अनुरूप है वैसे का वैसा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि विज्ञान ने ज्ञान में खूब वृद्धि की है और वैज्ञानिक विचार अपना कर ही भविष्य की समस्याएं हल हो सकती हैं। यानी भगत सिंह कहते थे कि ये जो मिथकों पर आधारित आपकी परंपरा है, संस्कृति है, यह शोषण को जन्म देगी। इसलिए हम सोशल जस्टिस में क्यों न भगत सिंह को शामिल करें। भगत सिंह तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संस्कृति के नैतिक और आदर्शात्मक मूल्यों की स्थापना की बात करते हैं, लेकिन भगत सिंह उतने ही कट्टर रूप से किसी भी तरह के ईश्वरवाद आस्था विश्वास की धज्जियां उड़ाते हैं। कैसे, इस लेख की शुरुआत होती है, क्या यह मेरा अहंकार है कि मैं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी ईश्वर को नहीं मानता, जो बाबा रणधीर सिंह से बहस हुई थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे इस तरह के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। फिर वो आगे लिखते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर मैं बहुत ज्यादती कर रहा हूं और मेरे इस अविश्वास के पीछे मेरा अहंकार छिपा हुआ है, ऐसा आरोप मेरे ऊपर लग रहा है, लेकिन मैं उसको आरोप की तरह नहीं मानता। और फिर भगत सिंह उसको आगे जब बढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ लोग हमें तानाशाह कहते हैं, कुछ लोग हमें अलग अलग तरह से आलोचना करते हैं कि हम ईश्वर के अस्तित्व को नकार करके हम गलत कर रहे हैं, हम अहंकारी हो गए। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि अहंकार इसकी वजह नहीं है, मेरे अंदर दूसरे पंथों की तुलना में हमारे पंथ को लेकर अहंकार जरूर है, हम क्रांतिकारियों के भीतर, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। हो सकता है यह दंभ या अहंकार न होकर हमारे पंथ का न्यायोचित गर्व हो। और फिर वो आगे कहते हैं कि सबसे पहले मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अहमवाद और अहंकार दो अलग अलग चीजें हैं। भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों हूं में आगे लिखते हैं, सबसे पहले मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अनुचित गर्व या मिथ्या भान किसी व्यक्ति के ईश्वर पर विश्वास करने में रोड़ा कैसे बन सकता है। मैं एक सचमुच ही महान व्यक्ति की महानता को स्वीकार करने से इनकार कर सकता हूं, बशर्ते कि मुझे भी कुछ हद तक ऐसी प्रसिद्धि मिल चुकी हो जिसके मैं योग्य नहीं हूं या जिसके लिए जरूरी गुण मेरे अंदर नहीं है। या तो वह व्यक्ति अपने आप को, अब ऐसे में होगा क्या, या तो वह व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या खुद अपने आप को ईश्वर मान बैठे। इन दोनों ही तरीकों में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहले मामले में वह ईश्वर के अस्तित्व को इनकार तक नहीं कर रहा, दूसरे मामले में वह इस बात को स्वीकार करता है कि प्रकृति की गतिविधियों के संचालन में कोई शक्ति विद्यमान है। तो यह नास्तिक नहीं हो सकते ये दोनों लोग। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं किसी सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। यह भगत सिंह का पूरा मामला है। नास्तिकवाद के सिद्धांत में विश्वास करने के पीछे मेरा अहंकार नहीं है। मैं न तो परमेश्वर का प्रतिद्वंदी हूं, न उसका अवतार हूं और न सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। फिर उसके बाद आगे वो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भगत सिंह बताते हैं कि जब मैं गुमनाम व्यक्ति था तो मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, मेरे दादाजी की छत्रछाया थी और मैं भी जो है डीएवी स्कूल जब लाहौर गया तो वहां की सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होता था और तमाम तरह की चीज थी। मैं शर्मीला लड़का था, पढ़ाकू था लेकिन आस्तिक था। भगत सिंह कहते हैं कि मैं पक्का ईश्वर भक्त था,
बाद में पिताजी के साथ रहने लगा, जो धार्मिक रूढ़िवादिता का सवाल है तो उस लिहाज से उदार व्यक्ति थे, लेकिन वो नास्तिक नहीं थे, वो एक पक्के ईश्वर भक्त थे। वे मुझे रोज ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए कहते थे। तो मेरी परवरिश इस तरह हुई थी कि मैं नास्तिक नहीं था, मैं आस्तिक था। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैं नेशनल कॉलेज में भर्ती हो गया। वहां मैंने उदारतापूर्वक ढंग से सोचना शुरू किया, ईश्वर की आलोचना शुरू की और सभी तरह के धार्मिक समस्याओं पर बहस करना शुरू किया, और मैं ईश्वर की भी आलोचना करने लगा तब बिना, हालांकि तब मैं उसमें विश्वास करता था, यानी भगत सिंह स्वीकार कर रहे कि मैं ईश्वर में विश्वास करता था। तब तक मैंने लंबे बिना कटे और बिना संवरे केस रखने शुरू कर दिए थे, सिखों में बाल बड़ा रखना। लेकिन मैं कभी भी सिख धर्म या किसी दूसरे धर्म की पुराण कथाओं या सिद्धांतों में विश्वास नहीं कर सका, लेकिन मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पक्की आस्था थी। भगत सिंह कबूल कर रहे हैं, वो एक व्यक्तित्व था। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ गया। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, यह लेख क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगत सिंह ये बता रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेसी नेता जो थे वह भी किस तरह से धर्म को लेकर के दक्षिणपंथी वामपंथी दोनों एक साथ थे, ये अंतर विरोध, और वहीं वामपंथी विचारधारा के जो लोग थे वह भी ईश्वर के अस्तित्व को नकार नहीं सके थे। उदाहरण देते हैं, मैं जिस पहले नेता से मिला उन्हें ईश्वर में पूरा भरोसा तो नहीं था, लेकिन वो उसके अस्तित्व को निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। मैं उन्हें बार बार ईश्वर के बारे में पूछता तो वो कहते जब भी मन करे पूजा कर लिया करो। यह एक तरह का नास्तिकवाद है, लेकिन इसमें एक सच्चे नास्तिक के साहस की कमी है। मैं जिस दूसरे नेता के संपर्क में आया उनका नाम था कॉमरेड सचिंद्र नाथ सान्याल, कॉमरेड जो आजकल काकोरी षड्यंत्र में काले पानी की सजा भुगत रहे हैं। इनकी इकलौती और मशहूर किताब बंदी जीवन, और बंदी जीवन बताया कि किस तरह से वो बड़े बड़े पहले ही पन्ने पर ईश्वर की महिमा का बड़े शब्दों में गुणगान किया गया। कॉमरेड थे और ईश्वर की गुणगान कर रहे थे। इस खूबसूरत किताब के दूसरे भाग के आखिरी पन्ने पर उन्होंने वेदांती होने के कारण रहस्यवादी शैली में ईश्वर की महिमा की प्रशंसा की है, जो उनकी सोच का अभिन्न हिस्सा था। कॉमरेड होने के बाद भी वो ईश्वर को मानते थे। और उसके बाद क्रांतिकारी पर्चे का जिक्र करते हैं भगत सिंह और कहते हैं कि यह सब एक खास तरह का रहस्यवाद था। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो यह कि अभी क्रांतिकारी पार्टी में ईश्वर के प्रति आस्था का बीज भी नहीं फूटा है, अनास्था का बीज। तो क्या आज भारत के कम्युनिस्ट और कॉमरेड ईश्वर के प्रति बिल्कुल नास्तिक होने की प्रक्रिया तक आ गए हैं? तो अगर नहीं है तो इन दोनों के बीच आपने क्या रास्ता चुना है? क्योंकि अब आपके सामने जो पॉलिटिकल चैलेंज है वो ईश्वर के मिथकीय कैरेक्टर को सामने रख के पूरे देश की राजनीति को पोलराइज कर रहा है। तो आपकी वैचारिकी कहां खड़ी है? मैं इस सवाल को सोशल जस्टिस के फोरम के जरिए आपसे करता हूं। जब भगत सिंह उस जमाने में कह रहे थे कि कॉमरेड लोग भी ईश्वर के अस्तित्व से मुक्त नहीं हो चुके हैं। राम प्रसाद बिस्मिल एक कट्टर आर्य समाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद के अपने गहरे अध्ययन के बावजूद राजन लहड़ी भी उपनिषदों और गीता के श्लोक के पाठ को के मोह को नहीं दबा पाए। ये लोग उस समय के कॉमरेड और उस समय के बड़े लोग भी किस तरह से ईश्वर की उस हाइपोथेटिकल उस कल्चरल हेजमनी से खुद को मुक्त नहीं कर पाए थे, ये चैलेंज था। उसमें मुझे सिर्फ एक शख्स ऐसा दिखाई दिया जो कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और कहता था दर्शन इंसान की कमजोरियों या उसके ज्ञान की सीमाओं का नतीजा होता है। वे आजीवन काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। उसके बाद भगत सिंह आगे लिखते हैं कि मैं उस समय हम लोग एक रोमानी क्रांतिकारी थे, एक ऐसा क्रांतिकारी जो मतलब आदर्शवादी रोमांटिक क्रांतिकारी का मामला बनता है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पढ़ाई का चस्का लगा। भगत सिंह इस बात को बहुत शिद्दत से याद करते हैं। अध्ययन ने, किताबों ने मेरे भीतर विचारों के परिवर्तन की बात कही। भगत सिंह जेल में थे तो जेल में जो सरदार जी थे, मैं उनका नाम आपको जरूर बताना चाहूंगा कि वो जो जेल के सरदार थे, जेल के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो लगातार उनको जेल में किताबें मुहैया कराते थे और वो उन किताबों को पढ़ करके चरत सिंह जी उनको किताबें जेल में मुहैया कराते थे और भगत सिंह ने जेल में पढ़ करके तमाम किताबें लिखी। तो पढ़ाई की अहमियत की बात करते हैं कि पढ़ाई मैं इसलिए अहम समझता था ताकि विरोधियों के तर्कों का सामना किया जा सके, पढ़ाई ताकि अपने पंथ के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कर दिए। भगत सिंह तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति, क्यों नहीं आइडिया ऑफ इंडिया में वो जगह मिली,
क्यों परंपरावादी पोंगा पंथी लोगों को हमने बहुत बड़ा मसीहाई सौंप दिया। आइडिया ऑफ इंडिया के कंप्लीट है इससे। मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरी पिछली आस्था और विश्वासों में उल्लेखनीय बदलाव आने लगा। हिंसक तौर तरीकों को लेकर हमारी पिछली पीढ़ी में बहु प्रचलित रोमानी भावनाओं की जगह गंभीर विचारों ने ले ली, और फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण को भगत सिंह अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने बाकुनिन अनार्किस्ट नेता बाकुनिन को पढ़ा, थोड़ा बहुत साम्यवाद के जनक मार्क्स को, लेनिन, ट्रॉट्स्की और दूसरों को बहुत सारा, जो लोग अपने देश में सफल क्रांति कर चुके थे और उससे बहुत प्रभावित थे, शहीद आजम भगत सिंह। बाकुनिन की गार्ड एंड स्टेट भले ही कुछ अंशों में ही सही, इस विषय पर दिलचस्प किताब है, ये सब नास्तिक थे। इस बाद में मुझे निरलंब स्वामी की लिखित कॉमन सेंस पढ़ने का भी मौका मिला। भगत सिंह आगे इस पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, 1926 के आखिर तक मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की धारणा, जो इस सृष्टि का सृजन, नेतृत्व और संचालन करने वाली है, एक आधारहीन बात है। हम आज तक ये साहस नहीं जुटा पाते कि हम ईश्वर के अस्तित्व को नकारें। हम फूले, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह को क्यों वो साहस मिल गया था और हमें नहीं मिल पा रहा? क्या मात्र इसका पॉलिटिकल एक चैलेंज है? क्यों हम ईश्वर के अस्तित्व से मुक्त नहीं हो पा रहे जब भगत सिंह कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कोई सर्वशक्तिमान को? मैंने अपने इस अविश्वास को प्रकट करना शुरू किया और इस पर बहस करने लगा। मैं घोषित नास्तिक बन चुका था, लेकिन इसका अर्थ क्या था, अब इस पर चर्चा करूंगा। मई 1927 में लाहौर से गिरफ्तार किया गया, और फिर आगे वो बताते हैं कि किस तरह से मुझे लखनऊ के मुकदमे में छूटे जाने की बात हुई। 1926 में दशहरे के मौके पर बम फेंका गया, और फिर मेरी भलाई में मुझसे कहा गया कि अगर मैं क्रांतिकारी गतिविधियों को कुछ बताऊं जेल में पकड़े जाने के बाद तो मुझे रियायत मिलेगी। मैं उस पर हंस दिया कि मैं रियायत क्यों लूं, यह सब कोई बकवास थी, हमारे जैसे विचारों के लोग अपनी ही निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते। और फिर सीआईडी सुपरिटेंडेंट श्री न्यूमैन आए और उन्होंने हमदर्दी की, कही कि काकोरी मामलों के कुछ गवाहों को बता दो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन मैं नहीं बोला। कुछ पुलिस अफसर मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की पूजा करने के लिए कहने लगे जेल में। अब मैं ठहरा नास्तिक। मुझे यह तय करना था कि क्या सिर्फ सुख चैन और मौज मस्ती के दिनों में ही मैं नास्तिक होने की डींगे हाँक सकता हूं, क्योंकि हमारे सामने भी तो होता है। हम धर्म और ईश्वर को किन दो जगहों पर एक्सेप्ट करते हैं? अभीष्ट की इच्छा, अनिष्ट से बचाओ, यानी ये हमें मिल जाए और इन इन चीजों से हम बच जाए। भगत सिंह कह रहे हैं कि मेरे सामने इम्तिहान था कि इतने मुश्किल के दौर में भी क्या मैं एक सच्चा नास्तिक बना रह सकता हूं। तो भगत सिंह आगे लिखते हैं, काफी सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि मैं ईश्वर पर विश्वास करने और उससे प्रार्थना करने के लिए राजी नहीं हो सकता। नहीं, मैंने एक दिन भी पूजा पाठ नहीं किया। यह एक सच्ची परीक्षा थी और मैं इसमें खरा उतरा। यह दौर वही था जब एक महात्मा इस देश को राम राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था। यह दौर वही था जब नेहरू के पैरेलल तिलक, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदूवादी कलेवर में आइडिया ऑफ इंडिया देख रहे थे। शहीद आजम भगत सिंह एक तर्कवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर समानता और न्याय के आधारित स्वतंत्रता का देश बनाना चाह रहे थे। तो आइडिया ऑफ इंडिया के इस क्लैश को हमने क्यों नहीं समझा? सोशल जस्टिस के थिंकर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को अब कोरिलेट करें। और उन्होंने कहा कि मैं तो मैं पक्का नास्तिक हूं और तभी से इन ऐसा हूं। इस परीक्षा में खरा उतरना आसान नहीं था। विश्वास विपत्तियों की चुभन को कम कर देता है और उसे सुखद भी बनाता है। ईश्वर में विश्वास करके मनुष्य को बड़ी राहत और मदद मिलती है। उसके बिना मनुष्य को सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना पड़ता है। तूफानों और अंधड़ों के बीच अपने पांवों पर खड़े रहना बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार अगर हो भी जाता है तो हुआ करे, और मनुष्य हवा हो जाता है और मनुष्य आम धारणाओं को जुटलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर आगे वो लिखते हैं कि मैं अपने आप को इससे ज्यादा तसल्ली दे सकता हूं कि मैं एक मकसद के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहा हूं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म में राजा बनने की उम्मीद कर सकता है, मुसलमान या ईसाई स्वर्ग लोक में मजे लूटने की उम्मीद कर सकता है। और भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हूं मैं केवल हिंदू धर्म को आलोचना की बात नहीं है, वो ईसाई और मुस्लिम धर्म पर भी सवाल करते हैं।
मुसलमान या ईसाई स्वर्गलोक में मजे लूटने की उम्मीद कर सकता है और अपने दुखों और कुर्बानियों के बदले में इनाम पाने की बाट जो सकता है। लेकिन मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि जैसे ही फांसी की रस्सी मेरे गले में पड़ेगी और मेरे पाँव के नीचे से तख्ता हटेगा, वह मेरा आखिरी क्षण होगा, बिल्कुल आखिरी क्षण। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि मेरी आत्मा मेटाफिजिकल व्याख्या के अनुसार वहीं खत्म हो जाएगी, इसके आगे कुछ नहीं। एक छोटी सी संघर्ष भरी जिंदगी जिसका कोई बहुत शानदार अंत नहीं, अपने आप में पुरस्कार ही एक पुरस्कार हो सकता है, बशर्ते कि मुझे इस नजर से देखने में साथ बचा रहे। मैंने किसी स्वार्थ भावना के बिना और यहां किसी और दुनिया के में पुरस्कार पाने की चाह के बिना जीवन अपना आजादी के मकसद को समर्पित कर दिया, क्योंकि मैं कुछ और नहीं चाहता था। और इसके बाद भगत सिंह आगे लिखते हैं कि मेरा कोई और मकसद नहीं था, इस दुनिया को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, इसी के लिए मैंने पूरी लड़ाई लड़ी और इतने छोटे जीवन में मैं अब कुर्बानी देने का। इसके आगे का पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, जब वो कहते हैं कि इसलिए कि उन्हें मानवता की गर्दन से गुलामी का जुआ उतार फेंकना है और मनुष्य की मुक्ति और शांति के लिए काम करना, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें की। अगला पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, आप जाइए और प्रचलित आस्था का विरोध कीजिए, आप जाइए और किसी जननायक की आलोचना करिए, किसी महापुरुष की, महात्मा की, जिसे किसी भी तरह की आलोचना से ऊपर माना जाता है, क्योंकि उसने उसमें कोई बुराई नहीं हो सकती और आप देखेंगे कि आपके तर्कों की ताकत को आपका घमंड कहकर लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ कि महात्मा गांधी की आलोचना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर इतिहास में जगह नहीं पाए? महात्मा गांधी से सबका अंतर विरोध था, तो अंतर विरोधों के शिकार लोगों को महात्मा बना करके पूजने की रवायत क्यों? अगर अंतर विरोध डॉक्टर अंबेडकर में है, अगर अंतर विरोध भगत सिंह में, चूंकि समय कम है इसलिए अंतर विरोध सबसे न्यून है भगत सिंह में, तो अंतर विरोधों से मुक्त करके कोई व्यक्ति पूजा कैसे जा सकता है? इसका कारण हमारी मानसिक जड़ता है, भगत सिंह बता रहे हैं। आलोचना और स्वतंत्र सोच क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। आज कॉमरेड लोग भी अपनी आलोचना पर नाराज हो जाते हैं, सामाजिक न्याय वाले अपनी आलोचना पर नाराज हो जाते हैं। भगत सिंह तो कह रहे हैं कि आलोचना क्रांतिकारी होने का एक महत्वपूर्ण बात है। चूंकि महात्मा महान है इसलिए किसी को भी उनकी बुराई करनी नहीं है, चूंकि वे बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं इसीलिए वे जो कुछ भी कहें सही है, वह चाहे राजनीति के बारे में हो या धर्म के, वह आर्थिक मुद्दा हो या नैतिकता का, आप आश्वस्त हो या न हो, पर आपको यही कहना है हाँ यह सच है, हाँ महात्मा सच है। डॉक्टर अम्बेडकर भी तो यही कहते थे। इस तरह की मानसिकता प्रगति की तरफ नहीं ले जाती, उल्टे या साफ साफ प्रतिक्रियावादी मानसिकता, यह तेवर था भगत सिंह का, जो महात्मा गांधी को चैलेंज कर रहे थे। और तमाम दक्षिणपंथी कांग्रेसी नेताओं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मनद मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, सबकी आलोचना करते हैं भगत सिंह, और कांग्रेस की आलोचना में लगातार ये कहते हैं कि दक्षिणपंथी जो विचार है ये सांप्रदायिक, उसको लेकर के वो लगातार आलोचना करते हैं। और फिर आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि मैं जानता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर में मेरी आस्था मेरी जिंदगी को काफी आसान बना देती, मेरा बोझ कम हो जाता, उस पर विश्वास करने के कारण परिस्थितियां बहुत रूखी प्रतीत होती हैं और स्थिति एक बेहद कमजोर मोड़ ले सकती है, क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानता। थोड़ा बहुत रहस्यवाद इन परिस्थितियों को काव्यात्मक बना देता, लेकिन मैं अपने भाग्य का सामना करने के लिए किसी भी तरह के नशे की मदद नहीं लेना चाहता। भगत सिंह ने धर्म और ईश्वर पर आस्था को नशा बोला है। मैं यथार्थवादी हूं, मैं अपने तर्कशीलता से अपने इंस्टिंक्ट, अपने सहज बोध पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता हूं। मुझे ऐसा करने में हमेशा सफलता नहीं मिलती, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य कोशिश और जतन करना है। सफलता संयोग और माहौल पर निर्भर करती है। हम कहां आज तय कर पा रहे हैं कि धर्म एक नशा, धर्म एक अफीम है? आज तो धर्म के नाम पर सब कुछ है और हम हिम्मत नहीं करते। हम बड़े बड़े प्रगतिशील लोग कॉमरेड होने के बाद भी अपनी संस्कृति में ही आर्य समाज की तरह कुछ कुछ अच्छा खोज करके बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं। हम कभी कॉमरेड थे, अब हम आकर के कह रहे हैं कि भाई संस्कृत को पूरा नकार नहीं सकते, हम धर्म को पूरा नकार नहीं सकते। तो हम वैचारिकी में अंतर विरोध से जो एकदम स्पष्ट वैचारिकी है दक्षिण पंथ की, संघ की, उससे कैसे लड़ पाएंगे? ये मेरा सवाल आपसे। भगत सिंह आगे दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र को लेकर के
वो कहते हैं कि आखिर ये दुनिया रची कैसे गई और कैसे इसका दुनिया को रचने के पीछे आधार क्या है। और फिर भगत सिंह कहते हैं कि जो जो पूरा मामला है, अब ईश्वर पर बात करते हैं, जहां मैं बार बार कह रहा था कि पेरियार और इन सबको लेकर के प्रगति में विश्वास रखने वाला। अच्छा, एशियाई धर्मों में मुस्लिम और हिंदू धर्म एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाते, तो भगत सिंह कहते हैं कि अगर धर्म एक विचार का होता तो ये सारे धर्मों में इतने अंतर विरोध क्यों है। सिर्फ भारत में ही बौद्ध और जैन धर्म कई बार ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल महात्मा गांधी ने शायद कहीं किया हो तो बताइए, नेहरू ने कहीं किया हो तो बताइए, भगत सिंह ब्राह्मणवाद कहते हैं। और ब्राह्मणवाद की भी आर्य समाज और सनातन धर्म के रूप में दो अलग अलग और परस्पर विरोधी शाखाएं हैं। चार्वाक पिछले युग के एक अत्यंत स्वतंत्र विचारक रहे हैं, उन्होंने उस युग में ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दी थी। ये सभी धार्मिक मत आधारभूत प्रश्न को लेकर एक दूसरे से अलग राय रखते हैं। फिर सब एक कैसे, धर्म है तो एक क्यों नहीं है, और सब अलग अलग दृष्टिकोण से किसी सच को पाने का दावा करते हैं। प्रगति में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पुरानी आस्था के हर पहलू को चुनौती देने होगी। आज के कॉमरेड लोग, आज के प्रगतिशील लोग, आज के सेकुलर लोग जब बार बार दक्षिणपंथ के दबाव में अपनी संस्कृति में कुछ बेहतर खोज लाने की बात करके दक्षिणपंथ से लड़ने की बात करते हैं, तो मुझे वैचारिक और बौद्धिक रूप से अंतर विरोध दिखता है, और जो एक विफल रणनीति है। आप आर्य समाज का काम कर रहे हैं और आर्य समाज की सफलता कहां थी, पहलू दर पहलू उसे प्रचलित आस्था के हर पहलू को हर कोने से तर्क की कसौटी पर कसना और जांचना होगा। अगर इस तर्क की प्रक्रिया के बाद भी किसी सिद्धांत या दर्शन में उनका विश्वास होता है तो वो ठीक है। जो भगत सिंह है वो लगातार तर्क को सबसे अहम मानते हैं। मैं इतना आश्वस्त हो चुका हूं कि पुरानी आस्था के ठोसपन पर प्रश्न चिन्ह लगा सकूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे किसी चेतन सर्वोच्च शक्ति का अस्तित्व तो नहीं है जो प्रकृति की गतियों का निर्देशन और संचालन करती है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समूचा प्रगतिशील आंदोलन प्रकृति पर मनुष्य की विजय से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस प्रकृति के पीछे कोई चेतना शक्ति है जो इसको चलाती है, संचालन करती है, तो यह हमारा दर्शन नहीं है। कुछ आस्तिकों से मेरा सवाल है, अब यहां ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, अंबेडकर और भगत सिंह एक जगह पर कैसे खड़े हैं ये देखिए। और खासतौर पर पेरियार, अगर आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने इस पृथ्वी या दुनिया को रचा है, तो कृपया मुझे बताएं कि उसने इसे क्यों रचा है। यही तो पेरियार पूछते थे, तुम्हारा ईश्वर क्या भूखा है कि वो चढ़ावा लेता है, क्या वो चापलूसी पसंद है कि वो आरती सुनाना चाहता है। अंबेडकर कह रहे हैं इस दुनिया को क्यों रचा है, इस दुखों और मुसीबतों से भरी दुनिया को जो अनगिनत त्रासदियों के चिरंतन और अंतहीन बोझ से दबी हुई है, जहां एक भी प्राणी पूरी तरह से सुखी नहीं है, ऐसे समाज को ईश्वर ने क्यों रचा। यही तो पेरियार पूछते थे कि यहां इतना शोषण है, जाति के नाम पर भेदभाव है, गरीबी है, मजदूरों का शोषण है, अगर किसी ईश्वर ने इस समाज को रचा होता तो इस तरह के समाज को देखकर वो कैसे खुश होता, उसने इतनी गरीबी क्यों रची। यही भगत सिंह आगे लिखते हैं, अगर वह नियमों से बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, फिर वह अपने वह भी हमारी तरह गुलाम है, मेहरबानी करके यह तर्क न दें। अब भगत सिंह चंगेज खां और नीरो से ईश्वर की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा ईश्वर इस तरह से लोगों की दुनिया रच करके शोषण, अत्याचार, बलात्कार, हर तरह के अपमान को देखते हुए चुपचाप खुश है, तो यह उसी नीरो की तरह है जो रोम को जलता हुआ देख करके बंसी बजा रहा था, तो फिर वो सहृदय कैसे, वो सर्वशक्तिमान कैसे। और कहते हैं भगत सिंह, चंगेज खां ने अपनी खुशी के लिए लोगों का नरसंहार किया, तो नीरो और चंगेज खां को इतिहास किस जगह रखता है, पापी कहता है, दुष्ट कहता है, तुम्हारा ईश्वर भी इसका मतलब दुष्ट होगा। अब इसको बाद वो कहते हैं कि अगर उसने रचा तो मैं फिर से पूछता हूं कि ईश्वर ने एक जीते जागते नर्क को क्यों रचा है। ये भगत सिंह लिख रहे हैं, एक निरंतर अशांत और कटुता से भरी जगह को ईश्वर ने क्यों रचा है, सर्वशक्तिमान मनुष्य को रचा ही क्यों, अगर उसमें उसे न रचने की शक्ति भी थी तो क्यों रचा इतनी बड़े मनुष्य को जो शोषक है, जो लोगों को दुख देता है। फिर वो कहते हैं कि वो ग्लैडिएटर की तरह है, ग्लैडिएटर का किस्सा आप जानते होंगे कि वो हिंसक पशुओं के सामने एक मनुष्य को खड़ा कर देंगे और हत्या करके जो बच जाएगा उसको गौरवान्वित किया जाएगा।
तुम्हारा ईश्वर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने शोषण के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया, जो जीत गया उसको गौरवान्वित कहता है। इसलिए मैं पूछता हूं, इस चेतन सर्वशक्ति ने इस दुनिया और मनुष्य को क्यों रचा? उसे अपने आनंद के लिए? तो फिर उसमें और नीरो में, चंगेज खान में फर्क क्या? आज आप ये हिम्मत नहीं करते ईश्वर के बारे में बोलने के लिए। पेरियार और भगत सिंह एक साथ रह करके ये बात लिख रहे थे। और आप मुसलमान और ईसाइयों, हिंदू धर्म के दर्शन के पास कुछ बचा हो, मैं आपसे पूछता हूं, ऊपर उठाए गए सवालों का आपके पास क्या जवाब है? पुनर्जन्म में आप विश्वास नहीं करते, मैं आपसे पूछता हूं कि सर्वशक्तिमान ने इस दुनिया को बनाने में 6 दिन की मेहनत क्यों की? और हर दिन यह क्यों कहा कि सब ठीक है? ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म से भी पूछते हैं, उसे मौजूदा हालत का, अगर उसने रचा है तो उसे बुलाओ और इस दुनिया का पिछला इतिहास दिखाओ, उसे मौजूदा हालात का मुआयना करने दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या वो अभी कहता है कि सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है। जेलों की काल कोठरियों से लेकर झुग्गी झोपड़ियों की विशाल बस्तियों में भूख से तड़पते लाखों करोड़ों इंसानों तक और पूंजीपति पिशाचों द्वारा अपना खून जाने को लाचार आंखों से देखते शोषित मजदूरों तक, कहां है वह दुनिया जो ठीक ठाक है, जो खैरियत है? हर स्तर पर मानवीय ऊर्जा की बर्बादी है। यानी वो कह रहे हैं इतनी असमानता की दुनिया, इतनी जगह विषमता की दुनिया, ये ईश्वर ने रचा है, और इसलिए ये ईश्वर नहीं हो सकता। अगर यह है तो 3 उद्देश्य हो सकते हैं कि न्याय शास्त्रियों के, कि बदला, सुधार और हतोत्साहन। तो उसने कहा सुधार एकमात्र जगह है जहां पर लोग बदल सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या इससे आपके 84 लाख योनियों की तरह तरह की दंड देने की, क्या इसमें मनुष्य को सुधरने का अवसर मिलता है? क्या आप ऐसे किसी मनुष्य से मिले हैं जो ये कहे कि पिछले जन्म में गधे की योनि में थे क्योंकि उन्होंने पाप किए थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों का हवाला न दें, मेरे पास आपके पुराण पढ़ने की फुर्सत नहीं। और फिर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध गरीब होना है? गरीबी एक पाप है, एक दंड है। और फिर आपके विचार में आगे वो क्या लिखते हैं भगत सिंह, बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी वजह से मैं सामाजिक न्याय की विचार की भगत सिंह को सबसे आगे रखने की कोशिश करता हूं, सबसे अग्रिम पंक्ति में रखने की कोशिश करता हूं, फूले पेरियार अम्बेडकर तमाम लोगों के साथ। आपके विचार में उस इंसान का भाग्य कैसा होना चाहिए जो एक गरीब और अनपढ़ परिवार में, मान लीजिए किसी चमार या भंगी के घर पैदा हुआ, गरीब होने के कारण वह पढ़ नहीं सकता, दूसरे लोग उसे नफरत और हिकारत से देखते हैं और खुद उसकी गरीबी, खुद को उससे श्रेष्ठतर समझते हैं क्योंकि वह ऊंची जाति में पैदा हुए। जाति पर इस तरह का विमर्श अपने समकालीन महानायक राष्ट्रनायकों में कहां दिखता है? जो आइडिया ऑफ इंडिया के राजनीति का, जो आजाद हिंदुस्तान का इतिहास लिखा गया उसमें बड़े बड़े नाम हैं, उनमें ये अंतर विरोध पद लिखा ही नहीं गया। भगत सिंह सीधे जाति को एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि वे ऊंची जाति में पैदा हुए, इसलिए वे अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। उनकी उसकी अज्ञानता और उसकी गरीबी और दूसरों के द्वारा किया जाने वाला दुर्व्यवहार उसे निश्चय ही समाज के प्रति कठोर बना देगा। अब अगर वह कोई पाप कर बैठता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? भगवान पर, खुद उस पर, या समाज के पढ़े लिखे लोगों पर? उन लोगों के दंड के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्हें ब्राह्मणों ने अपनी ध्वंस और अहंकार के कारण अज्ञानी बनाए रखा, जिन्हें वेदों का कोई पवित्र श्लोक कान में पड़ जाने पर अपने कानों में शीशा डलवाकर इसका दंड भुगतना पड़ता है? अगर वे कोई अपराध कर बैठते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? किसको इसका दंड मिलना चाहिए? मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारे सिद्धांत सत्तारूढ़ वर्गों द्वारा गढ़े गए हैं। हम आज भी कहते हैं कि आज भी इतिहास सत्ता लिखती है, हिरणों का इतिहास शिकारी नहीं लिखते, ताकि वे सत्ता पर अपने कब्जे, अपनी धन संपत्ति और समाज में अपने ऊंचे दर्जे को सही ठहरा सकें। हाँ, शायद आप्टन ने लिखा था, व्यक्ति को उसके अमरत्व का विश्वास दिला दो, उसके बाद चाहे तो उसका सब कुछ लूट लो, बल्कि वह इस काम में आपकी मदद करेगा। धार्मिक उपदेशकों और धन कुबेरों की साठगांठ से ही जेलों, फांसी के फंदों, कोड़ों और इन सिद्धांतों का जन्म हुआ है, ये भगत सिंह कहते हैं। और आखिरी पन्नों पर मैं पूछता हूं कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर जगह हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? ये तो बहुत आसानी से वो कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उसके अंदर लड़ने के उन्माद को समाप्त किया और इस प्रकार युद्ध, विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उन्हें क्यों नहीं बचाया?
उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने वाली भावना क्यों नहीं पैदा की? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में यह परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दें और इस प्रकार न केवल श्रमिक समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त हो जाए? तो तुम्हारा भगवान इस तरह का क्यों नहीं सीख देता? तुम्हारा भगवान शोषकों के साथ क्यों खड़ा है? अब जहां तक जन सामान्य की भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं पर वह इसके व्यवहारिक न होने का बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं। चलो आपका परमात्मा आए और वह सब चीज को सही तरीके से कर दे, आप घुमा फिरा कर तर्क करने का प्रयास न करें, वह बेकार बात है। मैं आपको यह बता दूं कि अंग्रेजों की हुकूमत यहां इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हमें उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं, यानी जो ब्राह्मणवादी धर्म है वो ईश्वर की तरह से नहीं है। हम कमजोर हैं इसलिए हमने जो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, सामंतवाद है, पूंजीवाद है, ये ईश्वर की वजह से हमारे पास ऊपर नहीं है। ये हमारी कमजोरी, हमारे बिखरे हुएपन, हमारी वैचारिक अंतर विरोधों के कारण है। इसलिए सामाजिक न्याय की पाठशाला चल रही है कि वैचारिक तौर पर एकजुट होकर के आप लड़िए, आप जीत लेंगे। कोई ईश्वर शोषकों के साथ नहीं, ईश्वर है ही नहीं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम, गोलियों और पुलिस के जरिए यह है। और अगर यह हमारी उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं, अंग्रेज कहां है? ईश्वर वह क्या कर रहा है? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? वह नीरो है, वह चंगेज है, उसका नाश हो। भगत सिंह लिख रहे हैं, याद करिए पेरियार इसीलिए कहते थे, वो अंधा है, वो बहरा है, वो गूंगा है, वो लालची है, वो अपराधियों का साथ देता है। और फिर भगत सिंह चार्ल्स डार्विन का बात करते हैं और वो कहते हैं कि देखो, इस सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के सृष्टि को चलने की जो प्रक्रिया है, जब तक ज्ञान विज्ञान नहीं था तब तक तुमने भ्रम में लोगों को रखा। अब चार्ल्स डार्विन आ गए हैं, बच्चों के लंगड़ा लुला पैदा होने की बात है, उसके भी जेनेटिक प्रमाण आ चुके हैं, ये सब तथ्य हो चुका है। इसलिए ईश्वर का जो स्वीकार था वो अज्ञानता से पैदा हुआ था, लेकिन ज्ञान विज्ञान और आधुनिकता की वजह से ईश्वर पर कोई नहीं है। और आखिरी पैराग्राफ में वो लिखते हैं, ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा विचार है कि मनुष्य ने अपनी सीमाओं, दुर्बलताओं व कमियों को समझने के बाद परीक्षा की घड़ियों का बहादुरी से सामना करने, स्वयं को उत्साहित करने, सभी खतरों को मर्दानगी के साथ झेलने तथा संपन्नता एवं ऐश्वर्य में उसके विस्फोट को बांधने के लिए ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना की। अपने व्यक्तिगत नियमों व अभिभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ाकर कल्पना और चित्रण किया। जब उसकी उग्रता और व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है तो उसका उपयोग एक डराने वाले व्यक्ति के रूप में किया जाता है, ईश्वर को डराने का माध्यम बनाया। और आखिरी में भगत सिंह कहते हैं, समाज को ईश्वरीय विश्वास के विरुद्ध उसी तरह लड़ना होगा जैसे कि मूर्ति पूजा तथा धर्म संबंधी क्षुद्र विचारों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। इसी प्रकार मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करने लगे तथा यथार्थवादी बन जाए तो उसे ईश्वरीय श्रद्धा को एक और फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों परेशानियों को पौरुष के साथ सामना करना चाहिए जिसमें परिस्थितियां उन्हें पटक सकती हैं। मेरी स्थिति आज यही है, यह मेरा अहंकार नहीं है मेरे दोस्तों, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना, जिसे मैं मनुष्य का सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूं, रोज रोज की प्रार्थना, उस समय एक महात्मा रोज प्रार्थना करते थे, भगत सिंह ये लिख रहे हैं, मेरे लिए सहायक सिद्ध होगी या मेरी स्थिति को और चौपट कर देगी। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। अंत मैं भी एक मर्द की तरह, एक पुरुष की तरह, फांसी के ताकतवर व्यक्ति की तरह, फांसी के फंदे के अंतिम गड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूं। देखना है कि मैं कितना खड़ा उपरता हूं। जब मैंने अपने नास्तिक होने की बात बतलाई मैंने एक दोस्त को, तो उसने कहा, देख लेना अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्रिय महोदय, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करना मेरे लिए अपमान तथा पराजय की बात होगी, स्वार्थ के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह लेख यहां खत्म होता है। इसलिए आज इस बात को यहां खत्म करते हुए मैं दो तीन बातें फिर से कहूंगा कि सामाजिक न्याय की वैचारिकी को एक मुकम्मल बनाने के लिए हमें तर्कवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित
स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित जातिगत शोषण के खिलाफ खड़े हर एक शख्सियत को अपने साथ लाना होगा। इसलिए भगत सिंह सामाजिक न्याय की वैचारिकी में इसलिए बराबर हैं क्योंकि वो जाति के नाम पर ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं और शोषण के नाम पर पूंजीवाद का विरोध करते हैं, साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। और आज हम जानते हैं कि जो व्यापारिक पूंजीवाद है वो किस तरह से सामाजिक न्याय की हत्या कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन किस तरह से सामाजिक न्याय की हत्या कर रहा है। इसलिए धर्म का छद्म आवरण, धर्म को नए कलेवर में फैलाना सामाजिक न्याय की हत्या कर रहा है। इसलिए हमें फूले, पेरियार और अंबेडकर के साथ शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ना होगा। हर घर में कुछ लेख जरूर पढ़िए, अछूत की समस्या और उसके बाद अछूत के ऊपर जो लेख है, अछूत कौन है उस पर, उसको पढ़िए, मैं नास्तिक क्यों हूं को पढ़िए, बम का दर्शन पढ़िए और भगत सिंह और उनके साथियों का दस्तावेज चमन लाल की किताब पढ़िए, चमन लाल की एक और किताब अभ्युदय भारत पढ़िए, कुलदीप नैयर की किताब सरफरोशी की तमन्ना पढ़िए। सोचिए ये लोग फूले, पेरियार, बिरसा, भगत सिंह उस जमाने में इतने तार्किक और रेडिकल हो सकते थे, हम 2020 में क्यों खुद को धोखा देते हैं, हम 2020 में क्यों अपने को बौद्धिक तौर पर धोखा देते हैं कि संस्कृति में सब बुरा नहीं, धर्म में सब बुरा नहीं, चलो धर्म से कुछ अच्छी चीज ले लो क्योंकि हमें दक्षिणपंथ से लड़ना है। यह एक वैचारिक दोगलापन है, यह एक वैचारिक दोहराव है कि आप कॉमरेड भी होते हैं, आप उसके बाद अपने धर्म में अतीत में कुछ अच्छी चीजें खोज करके आर्य समाजी बनना चाहते हैं। तो हमें वैचारिक तौर पर एक व्यवस्थित खाका खींचना होगा और व्यवस्थित खाका सामाजिक न्याय का है जो आर्थिक न्याय की बात करता है, इसलिए वो कम्युनिस्ट है हम, जो लैंगिक न्याय की बात करेगा इसलिए वो जेंडर डिस्कोर्स की बात करेगा, सामाजिक न्याय की बात करेगा क्योंकि वो हर प्रकार के जाति के आधार पर शोषण और विभेद के खिलाफ खड़ा होगा। हम चाहते हैं खूबसूरत दुनिया बने, लेकिन वह सामाजिक न्याय की दुनिया हो जो आइडिया ऑफ इंडिया फूले, पेरियार, बिरसा, सावित्रीबाई और भगत सिंह का था, उस पर बने एक आइडिया ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन पर बने एक आइडिया ऑफ इंडिया, वैचारिक दोहरेपन से न बने कि पुतो मीठ तो भतरो मीठ, धर्म भी मानेंगे और सामाजिक न्याय भी मानेंगे, ये नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। जाते जाते इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह को अपने जहन में याद करिए, शायद हम उनके ख्वाबों का, आइडिया ऑफ इंडिया का, फूले, पेरियार, अंबेडकर के साथ भगत सिंह के सपनों का देश बना सकें, और बनाना ही होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। मिलेंगे सामाजिक न्याय की पाठशाला की अगली कड़ी में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मंडल।